हेलो दोस्तों, सो ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन के आज के वीडियो में बात करते हैं हमारे थर्ड यूजर इंटरफेस डिजाइन फैक्टर की, दैट इज हार्डवेयर फैक्टर्स। देखते हैं कि हार्डवेयर फैक्टर्स क्या होता है। हार्डवेयर फैक्टर डील्स विथ हार्डवेयर सपोर्ट अवेलेबल इन द यूजर्स वर्किंग एनवायरमेंट। सो इट बेसिकली डील्स विथ हाउ हार्डवेयर सपोर्ट्स द यूजर इंटरफेस इन ऑर्डर टू मेक इट मोर एफिशियंट इन द वर्किंग एनवायरमेंट। दे डिटरमाइन द टेक्निकल वर्किंग एनवायरमेंट। तो हार्डवेयर फैक्टर क्या डिटरमाइन करता है कि आपका जो जहां पे भी यूजर इंटरफेस यूज होने वाला है वहां आसपास का वर्किंग एनवायरमेंट कैसा है, टेक्निकलिटी वाला वर्किंग एनवायरमेंट कैसा है। द हार्डवेयर डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड द आर्किटेक्चरल सेटअप ऑफ द वर्क प्लेस ऑफ द यूजर। तो जहां पे भी ये प्रोडक्ट यूज होने वाला है वहां पे जो भी सॉफ्टवेयर है, सपोज एक सॉफ्टवेयर हम बिल्ड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इज आर प्रोडक्ट, तो अब ये सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करेगा उसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि जिस सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर यूज होने वाला है उसका हार्डवेयर कैसा है, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, वर्कप्लेस का आर्किटेक्चर कैसा है। देन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, वेदर आर सॉफ्टवेयर कैन बी अफोर्डेड ऑन नॉट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं हमारे यूजर्स, उसके अकॉर्डिंग हमको डिजाइन करना होता है। अगर ऐसे यूजर्स है जो अफोर्ड कर सकते हैं हम उनके लिए बिल्ड करें, सो दैट इज फाइन। अदरवाइज वील हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को इतना इसके ऐसे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और मोस्टली ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंटरफेस रिक्वायर्स 3D इफेक्ट्स, दैट डेवलपर मस्ट बी अवेयर ऑफ द अवेलेबल हार्डवेयर एंड द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। तो अगर कोई भी एक इंटरफेस है जिसके लिए 3D इफेक्ट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो इस टाइम पे डेवलपर को ये पता होना चाहिए कि उसका कस्टमर कौन है, उसका जो कस्टमर है क्या वो इतना एक्सपेंसिस बेयर कर पाएगा, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है उसको इश्यू नहीं आएगा उसका, ये ध्यान में रखना। फिर उसका हार्डवेयर, जो हार्डवेयर अवेलेबल है कस्टमर के यहाँ पे, उसका ध्यान रखना कि वो ये 3D इफेक्ट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं, वो हार्डवेयर को दे विल वर्क इन कंपैटिबल मैनर और नॉट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डेवलपर मस्ट लुक इनटू बिफोर बिल्डिंग ऑल द इंटरफेस। हार्डवेयर ऑल्सो अफेक्ट्स स्पीड ऑफ इंटरफेस। हार्डवेयर काफी अफेक्ट करता है इंटरफेस की स्पीड को, जैसे कि सॉफ्टवेयर फैक्टर पे डिपेंड करता है वैसे ही स्पीड ऑफ इंटरफेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरफेस टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू यूजर एक्शन। जैसा कि आप सबको पता है कि इंटरफेस का क्विकली रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यूजर को अगर फीडबैक नहीं मिलता है तो यूजर उस पर्टिकुलर इंटरफेस को पसंद नहीं करता है। ऑल्दो स्पीड डिपेंड्स ऑन इंटरफेस डिजाइन टू सम एक्सटेंट, फिजिकल फैक्टर्स ऑल्सो लिमिट स्पीड। ऑल्दो हमको पता है कि जो स्पीड है वो इंटरफेस डिजाइन पे डिपेंड करता है काफी हद तक, लेकिन फिजिकल फैक्टर्स, हार्डवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन स्पीड कम्स इनटू पिक्चर, स्पीड ऑफ इंटरफेस। नाउ एन इंटरफेस दैट यूजेस मेनी ग्राफिक्स रिक्वायर्स अ स्क्रीन विद अ हाई रिजोल्यूशन एंड फास्ट प्रोसेसर। तो अगर ऐसा कोई इंटरफेस पे बहुत सारा ग्राफिक्स है तो उसके लिए हमको एक हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन चाहिए एज वेल एज फास्ट प्रोसेसर चाहिए। ओके, नाउ अ लो रिजोल्यूशन स्क्रीन एंड स्लो प्रोसेसर कैन कॉज अ लॉट ऑफ फ्लिकरिंग एंड मेक द ग्राफिकल इंटरफेस अनयूजेबल। तो एक लो रिजोल्यूशन स्क्रीन अगर है या और स्लो प्रोसेसर है तो इस केस में काफी ज्यादा फ्लिकरिंग होगा एंड ग्राफिकल इंटरफेस अनयूजेबल होगा, हम यूज नहीं कर पाएंगे उसको अगर हमने उसमें बहुत ज्यादा ही सॉलिड वाले 3D इफेक्ट्स डाले हुए हैं, लेकिन हमारा जो हार्डवेयर है वो उसका स्क्रीन जो है वो लो रिजोल्यूशन का है, स्लो प्रोसेसर भी है, तो इस केस में वो काम नहीं करेगा। एंड देन ऑब्वियसली ये आ गया आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। इफेक्ट्स सच एज शेडिंग, साउंड एंड एनिमेशन ब्रिंग रियलिज्म टू द इंटरफेस बट ग्रेटली डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशियंट हार्डवेयर। अब जैसे कि कुछ इफेक्ट्स है, शेडिंग हो गया, साउंड हो गया, एनिमेशन हो गया, ये काफी ज्यादा रियलिज्म लाते हैं, काफी नेचुरल लगते हैं जब इंटरफेस में हम लोग इंक्लूड कर देते, लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशियंट हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर एफिशियंट नहीं है सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम देन। सो यही चीजें हैं, लो रिजोल्यूशन एंड स्लो प्रोसेसर एज वेल, आपका हार्डवेयर कंस्ट्रेंट आ जाता है इसमें, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाता है, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, डेवलपर को ध्यान रखना बहुत जरूरी है व्हेन एवर ही और शी इज डिजाइनिंग एन इंटरफेस, उसको ये कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखना है कि कस्टमर्स के पास क्या अवेलेबल है, जहां जिसको तुम ये प्रोडक्ट देने वाले हो या फिर बेचने वाले हो उसके लिए वेदर दिस विल बी अ कंपैटिबल प्रोडक्ट और नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द हार्डवेयर as well as the financial constraint. Though hardware and software factors are important, they may be sacrificed for the sake of user demands.
तो माना कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है एज पर द यूजर डिमांड्स, बिकॉज यूजर को जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फैक्टर्स एज पर द डेवलपर्स ही हो, कि डेवलपर जो बोले उसके अकॉर्डिंग ही उनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करना पड़ा. उनके उनके पास जो होगा उसके अकॉर्डिंग दे मे टेल द डेवलपर टू मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली एंड मेक इट कंपैटिबल विद द हार्डवेयर दे हैव इन देम. उनके पास जो हार्डवेयर है उसके अकॉर्डिंग कंपैटिबल बनाओ प्रोडक्ट को, ऐसा वो डेवलपर्स को बोल सकते हैं. और यूजर डिमांड के अकॉर्डिंग उनको ये फॉलो भी करना पड़ेगा, डेवलपर्स को ये फॉलो करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ इट गोज. दिस वॉज योर लास्ट फैक्टर ऑफ यूजर इंटरफेस डिजाइन, दैट इज हार्डवेयर फैक्टर. तो यही हार्डवेयर फैक्टर, सॉफ्टवेयर फैक्टर एंड यूजर इंटरफेस डिजाइन, ह्यूमन फैक्टर, ये तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना यूजर यूआई डिजाइन अच्छा बनाना है तो. सो या आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.